ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आया था, और उसके बाद आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके डी टू पी वाई डी टू पी अपॉन डी वाई टू एक्स वाई इज इक्वल टू 25 पे निकाल लेंगे, जो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो आपका पी क्या हो गया, देयर फॉर पी इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम व्हेन, कब, वाई इज इक्वल टू 25 एंड एक्स क्या हो जाएगा फिर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। सिक्सटीन क्वेश्चन में क्या है, सिक्सटीन क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने जिनका सम कितना है 16, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, सम ऑफ हुज क्यूब्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड एस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम एक्स प्लस वाई 16, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये सब अपने आप करोगे जैसे मैंने सिखाया है। एस को पहले आप क्या लिखेंगे, एस को पहले या तो एक्स को रिप्लेस कर लो या वाई को रिप्लेस कर लो, तो एक्स क्यूब प्लस में ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का क्यूब, इसको आप देखो। अब ये एक वेरिएबल में चेंज हो गया, इसको आप डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव शो करोगे। ठीक है, ये सब आपको खुद से ट्राई करना है, राइट। 17 पे आ जाओ, 17 में कहता है स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। मुझे लगा आप भी करना था। नहीं नहीं अभी नहीं करना, ये बाद में करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स, ये स्क्वायर पीस है। अब इसका क्या किया, इसके हर कॉर्नर से पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, इसका एक बॉक्स बना दिया जिसके ऊपर टॉप नहीं है। ठीक है, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर किया, स्क्वायर कट किया इसके, हाँ क्या करोगे, करोगे क्या लैपटॉप का, इसका क्या काम करना है, काम बताओ, क्या काम तो बताओ, काम भी बताना था। पैराग्राफ राइटिंग अपना सोच के लिखने के लिए दिया है, लैपटॉप से तो देखते हैं। अरे आपने वो देख क्या, किसी में जाने वो देख, वो देख क्या अपना फिटेगा। यहाँ से देखो, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस कट किया, ठीक है, और तो ये स्क्वायर पीस कट के इसकी साइड को हमने क्या मान लिया, x, ये भी x, ये भी x, ये x है। ठीक है, अब इस साइड से अगर x इधर से कट हो गया, x इधर से कट हो गया तो क्या बचेगा, ये जो बीच का डिस्टेंस बचेगा ये कितना बचेगा, ये जो स्क्वायर सीट है इसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर थी, इसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 18 में से x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया तो ये क्या बचा, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, यहाँ से भी 18 माइनस 2x। ठीक है, तो ये कटने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी कुछ ऐसा बन जाएगा ये। तो ये जो बाहर फ्लैप्स निकले इनको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये एक डब्बे की तरह बन जाएगा। ठीक है, जो साइड में फ्लैप्स ऐसे हैं इनको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, वर्टिकली खड़े कर देंगे तो ये एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। ओपन बॉक्स बनेगा तो इसका फाइनल शेप कैसा होगा, ओपन बॉक्स बनेगा तो इसका फाइनल शेप कैसा होगा,
18 माइनस 2x स्क्वायर करेक्ट एंगल ओपन बॉक्स बनेगा तो ऐसा होगा ना। हाँ सर कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा ठीक है, ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। ऐसा बॉक्स बन गया, ऊपर से ये ओपन होगा, टॉप से ओपन होगा ठीक है। अब ये जो ये इसका बॉटम बनेगा, ये इसका बॉटम बनेगा, तो ये 18 माइनस 2x है, ये भी 18 माइनस 2x है, तो बॉटम के जो डायमेंशन है वो 18 माइनस 2x होंगी। बॉटम के जो डायमेंशन है वो कितने होंगे, 18 माइनस 2x माइनस 2x, और ये भी 18 माइनस 2x। बॉटम के डायमेंशन क्या होंगे, 18 माइनस 2x होंगे ठीक है, ओके बॉटम के डायमेंशन होंगे। अच्छा ये हाइट है, ये हाइट कैसे बनी, जब इस स्लैब को फोल्ड करेंगे तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइट हमारी x थी, तो हाइट इस बॉक्स की क्या बनेगी, x बनेगी, समझे आप। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम होगी लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, 18 माइनस 2x इनटू 18 माइनस 2x इनटू x, वॉल्यूम हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x, वॉल्यूम कितना हो गया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x ठीक है। क्वेश्चन में था कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट, जो स्क्वायर पीस कट किया था उसकी साइड क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट ठीक है, तो वो हमने एक्स ली थी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया हमारा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x dv अपॉन dx, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, ब्रैकेट ओपन मत करना ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव का दैट इज 1 माइनस x इनटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या, तो प्लस नहीं होना चाहिए कहां पर, 18 आप इसको प्लस, आप इसको प्लस ही समझ लो, x एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2 इनटू 18 माइनस 2, इसके बाद इसके पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस टू, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, टू और मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है, नहीं समझे सर, आगे समझ करो, इसको डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट टू से। अच्छा डिफरेंशिएट तो हो गया, अब यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन ले लो, 18 माइनस 2x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 18 माइनस 2x ही बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 4x माइनस 2x, तो ये क्या बन गया, 18 माइनस 2x ब्रैकेट में 18 माइनस 18 माइनस 6x व्हिच इज, अब क्या करेंगे, putting dv upon dx equal to zero, equal to zero, so 18 minus 2x is equal to zero and 18 minus 6x is equal to zero, यहां से आपके पास आएगा x 9 आ जाएगा, निवेश कहां ध्यान है, x is equal to 3 है, 9 and 3 यहां तो नहीं है, खैर सर बिल्कुल यहाँ पर सर अनिरुद्ध थोड़ी ना हूँ मैं, कि आप जो पढ़ा रहे हो नहीं देखूंगा, दिखाना नोटबुक दिखाना सर, ये यूट्यूब देख रहा है सर, हाँ हाँ तेरे पास मैसेज आया ना, जैसे नोटबुक दिखाओ देवेश, ये रहा देवेश, नाते किसका है, देखा ना,
दिवेश ने कम लिखा है ना, क्योंकि दिवेश का ध्यान नहीं था, देख रहा था कई सेकंड। सर पूरा लिखा है सर, मैं साथ साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, इसलिए मैं इतना तेज नहीं लिख पाता। 15-20 सेकंड हो गए थे मुझे देखते हुए, दिवेश पता नहीं कहाँ देख रहा है। सर मैं कैलकुलेट कर रहा था सर, मैं सीधे खाली कॉपी नहीं करता। X9 आ गया, X3 आ गया, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों हमारे पूरे स्क्वेयर सीट की जो साइड थी वो कितनी थी, 18 थी, और जो ये हमने कट किया ये x था। x अगर 9 होगा तो मतलब ये डिस्टेंस 9 होगा, 9 ऐसे काटेंगे, इधर से भी 9 कटेगा, 9 इधर से, 9 इधर से, पूरी सीट चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कोई बॉक्स नहीं बनेगा, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। x कैन नॉट बी 9, बचेगा हमारे पास सिर्फ x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखो x कैन नॉट बी 9, सो x इज इक्वल टू 3 ओनली, x सिर्फ हमारा क्या होगा, 3 होगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव, अब हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, d2v/dx2। इस पे प्रोडक्ट 2 लगाओ, प्रोडक्ट 2 लगेगा तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ठीक है, 18 माइनस 2x इंटू, इंटू में 18 माइनस 2x इंटू -6 प्लस 18 माइनस 6x इंटू में -2, ठीक है, 18 माइनस 2x इंटू -6, 18 माइनस 6x इंटू -2, ठीक है। हमें d2v/dx2 कहाँ फाइंड करना है, d2v/dx2 फाइंड करना है, कहाँ पर फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर x को 3 डाल देंगे, x को 3 डालेंगे तो कितना हो गया, 18 माइनस 6 इंटू में -6, और x को 3 डालोगे तो सेकंड वाली टर्म हो जाएगी 0। क्या हो गया ये, दिस इज माइनस ऑफ 72 आ गया, लेस देन 0, माइनस ऑफ 72 लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। साइड से जो स्क्वेयर पीस आपने कट किया था अगर वो 3 सेंटीमीटर काटेंगे तो आपका जो बॉक्स होगा, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा स्टूडेंट आ गया, कौन आ गया, अंकित शर्मा 4191। अच्छा अंकित की क्लास थोड़ा लेट करेंगे, अंकित अंकित आप 130 आ जाओ, 130 या बैठ के पढ़ना तो पढ़ लो, आ जाओगे 130 जी। देवेश है ना, ये सारे टाइम का शेड्यूल का खराब करवा देता है, और फिर बोलता इतना ज्यादा है कि स्टूडेंट आ गया, ये सारा इसी की वजह से हो रहा है, खुद से 12 बजे इसकी वजह से नहीं, हमारी क्लास 11:30 होती है, और फिर कहता है कि पहले से शेड्यूल थी वो क्लास, हमारा तो टाइम हमेशा ऐसे ही 11:30 शेड्यूल रहता है। अनिरुद्ध सही कह रहा हूँ ना, हाँ सर बिल्कुल सही, इसलिए इसने सारे ग्रुप का टाइम खराब करके रखा हुआ। देखो जरा ये एक्स हो गया, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है, ये एक स्क्वेयर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है सॉरी, जिसकी ये वाली लेंथ 45 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से एक ये 45 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, x यहाँ से कट किया, x यहाँ से कट किया, दोनों साइड से x x कट कर दिया, तो ये जो लेंथ बचेगी हमारे पास, जो टोटल वाली है वो 45 माइनस 2x बचेगी। और फिर ऐसे कह रहा है कि वो पहले से शेड्यूल थी, बात सुनो इसकी,
हमारा जो टाइम मार्च से शेड्यूल है 11:30 का सर, खाली आज के लिए था सर, वरना वो सुबह 9 बजे आते हैं, खाली आज उन्होंने कहा था इसलिए सर। तो फिर ये खाली आज तो बोलना चाहिए था ना कि मैथ क्लास है तुम्हारा। नहीं नहीं चलो वो तो ठीक है, इसको फिर मानना चाहिए ना कि सर वो ये रीजन था वो रीजन था, ये हमें हमें दिखा रहा है कि इसकी क्लास पहले से शेड्यूल थी। क्या कब से होगी भाई? सर उनका आज सुबह सुबह ही मैसेज आया था, इसलिए उनकी 9 बजे होती है, फिर उनका मैसेज आया कि कैन आई कम एट 11। तो फिर ये कैसे कहा तुमने कि वो पहले से शेड्यूल थी? पहले से शेड्यूल तो हमारी क्लास थी सर। गलती से लिख दिया सर, माफ कर दो सर, गलती हो गई बच्चे से। तो मानो ना गलती सर, गलती हो गई सर। ऊपर से दिखा रहे हो कि नहीं सर हमें तो पहले से टाइम फिक्स किया था, अब आप देखो। सर गलती हो गई सर, माफ कर दो सर, बच्चे से गलती। आप ठीक है, माफ कर दो सर। देखो ये हो गया, ये हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा इसका। जब हम इसके कॉर्नर्स कट कर देंगे तो ये पहले वाली टाइप सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है? ये ऐसे बनेगा, इसके फ्लैप्स को हम फिर से फोल्ड कर देंगे तो इस बार हमारा जो बॉक्स बनेगा वो क्यूबिकल बॉक्स नहीं होगा, इस टाइप के फ्लैप्स बनेंगे, इनको हम फोल्ड करके जब बॉक्स बनाएंगे तो हमारा बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप का होगा, ये जो पोर्शन है दिस, ये जो अंदर स्क्वायर पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसकी लेंथ होगी 45-2x एंड 24-2x, ये बॉटम के डायमेंशन होंगे। बॉटम के डायमेंशन कितने होंगे? 45-2x और ये 24-2x, ऐसा, ठीक है? और जो ये फ्लैप्स की हाइट है x, ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी x। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? बॉक्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v इज इक्वल टू 24-2x इंटू 45-2x इंटू में एक्स, ये बॉक्स का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमारा हो जाएगा 45-2x इंटू 24-2x इंटू एक्स, ठीक है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 24 इंटू 45 कितना होता है? 24 into 45 तो वो जाएगा, मतलब बहुत लंबा आएगा उसका आंसर। अरे बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, डायरेक्टली LBH नहीं कर सकते इसमें? क्या तीन का प्रोडक्ट ज्यादा लंबा पड़ेगा? खोल लो इसको, दो मिनट दे दो मेरे। अनिरुद्ध फिर से भाई तो सर की बात को ओवरूल कर रहा है भाई, बड़ी 18 साल की रिस्पेक्ट कर लो। 1080 ये होगा 24 2 48x माइनस 90x प्लस में 4x² इंटू में एक्स, ठीक है? तो वॉल्यूम हो गया x, 15 मल्टीप्लाई करो 1080x माइनस, ये हो गया 138x प्लस में 4x³, ठीक है? चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है क्या, अभी बाद में करेंगे। देखो dv/dx निकालो, dv/dx तो ये होगा 4 3 12x² माइनस, एक मिनट कुछ कर दो, यहाँ स्क्वेयर आएगा ये, ठीक है? ये हो जाएगा, और ये आएगा 1080 प्लस में 1080, यहाँ से 12 कॉमन ले लो, ठीक है? x² 23x प्लस 90, राइट? दिस इज इक्वल टू 12 इंटू, इसके फैक्टर्स बनेंगे x² माइनस 23 18x माइनस 5x प्लस 90, तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होगा x माइनस 18 इंटू x माइनस 5,
ज्यादा बड़ा तो नहीं आया ना जान? नहीं सर सुनो, नहीं ये बड़ा बड़ा लग रहा है तो नहीं है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो x माइनस x यहाँ से आएगा, जब आप इसको जीरो पुट करोगे x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 5। अब बेटा पांच नंबर का सम आता है, ये इतना बड़ा तो रहेगा ही, देखो। ठीक है, अभी तो इससे बहुत बड़े बड़े yes, सम। तो अब इसको जीरो पुट करोगे आप, डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू 18 और एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू 18 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल हमारी जो सीट है उसकी ये साइड 24 है, 24 है, तो 18 18 कैसे काटोगे इसमें से? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 24 है, इसमें से आप 18 18 कट नहीं कर सकते, राइट? तो ये तो नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 5 होंगे। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे और उसमें x को 5 डाल के सम को कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी नहीं, बाद में कर, क्लास होमवर्क में करेंगे। और ठीक है, देखो जरा 19th क्वेश्चन पे आ जाओ। 19th क्वेश्चन में क्या कहते हैं? शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल स्क्वेयर एज मैक्सिमम एरिया, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल के अंदर अगर रेक्टेंगल बनाए जाए, ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल, ठीक है, स्क्वेयर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल स्क्वेयर हैज मैक्सिमम एरिया। अगर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाई जाए ए बी सी डी, सर्कल के अंदर हमने रेक्टेंगल बनाई, स्क्वेयर हैज मैक्सिमम एरिया, तो स्क्वेयर का एरिया मैक्सिमम होगा। स्क्वेयर का एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार, और कोई बच्चा मुझे बता सकता है हमें क्या करना है? बताओ जरा, बोलो तो स्क्वायर के एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना, स्क्वायर के एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना, शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको दिया क्या हुआ है। आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या दिया हुआ है। तो सर्कल का आपको क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, तो आपको सर्कल का रेडियस भी पता होगा, ठीक है, सर्कल दिया है तो आपको सर्कल का रेडियस भी पता होगा। ये कहता है कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, जो आपने रेक्टेंगल बनाई है अगर वो स्क्वायर है, इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल वो स्क्वायर है, तब इसका एरिया मैक्सिमम होगा, तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आपको दो बातें प्रूव करनी है, एक तो जो आपने रेक्टेंगल बनाई है उसको स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब आपने रेक्टेंगल बनाई है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक्स वाई होंगी, आपको ये प्रूव करना है इट इज ए स्क्वायर, और वो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, राइट। दूसरी बात, ये तो आपने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर है, फिर आपको प्रूव करना होगा कि एरिया मैक्सिमम है, ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा, हमने इस स्क्वायर के अंदर एक रेक्टेंगल बनाई, सर्कल आपको गिवन है, ठीक
ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वाई बी द ब्रेथ, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वाई बी द ब्रेथ, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। आपको रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। अगर रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा और उसको पॉजिटिव शो करना होगा, राइट, पॉजिटिव शो करना होगा, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक्स को रिप्लेस करिए या वाई को रिप्लेस करिए, ठीक है। हम अगर पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आर का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और वाई स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास फोर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगी, और वाई की वैल्यू रूट आ जाएगी। आप वाई की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, बट बच्चों रूट की टर्म को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, वो रूट आपको परेशान करेगा, इसलिए रूट की टर्म को अवॉइड करो। बुक से कॉपी करोगे तो रूट मिलेगा, चाहे आर डी शर्मा ले लेना, चाहे आर एस अग्रवाल, ठीक है, चाहे इंटरनेट पे चले जाना, रूट को जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करो, क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट करना आपको परेशान करेगा। एक काम करो, हम एक वेरिएबल को तो हटा ही रहे हैं, दोनों वेरिएबल हटा देते हैं यहाँ से, इस एंगल को थीटा मान लो, और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल वो यूज करो, दिस एंगल इज थीटा, तो एक्स अपॉन टू थीटा किसके बराबर हो, एक्स अपॉन टू आर किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन टू आर होगा कॉस थीटा के बराबर, एक्स आपका आ जाएगा टू आर कॉस थीटा, एक्स आपका क्या आ जाएगा टू आर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल ए बी सी में आप x अपॉन टू आर, ये टू आर डिस्टेंस है, सर्कल का रेडियस है ये, ठीक है, डायमीटर बन गया, x अपॉन टू आर, x अपॉन टू आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x आ जाएगा आपका टू आर साइन थीटा, तो कॉस थीटा। इसी टाइप से आप y अपॉन टू आर करते हैं, y अपॉन टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा, y कितना हो गया टू आर साइन थीटा, राइट। एरिया आपका हो गया x, x कितना है 2r cos थीटा, y क्या है 2r sin थीटा, हमने x और y दोनों को हटा दिए, वो एक नया वेरिएबल ले आए थीटा, एरिया हमारा बन गया 2 इंटू आर स्क्वेयर 2 sin थीटा cos थीटा। एक 2 को मैंने अंदर लिख दिया, एक 2 को बाहर लिख दिया, r इंटू आर, आर दो जगह पर था हमारे पास, आर स्क्वेयर हो गया, ठीक है। ये टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, टू आर स्क्वेयर साइन टू थीटा, राइट। अब आप इसमें देखो, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर हमारे पास आर और थीटा दो टर्म है, आर वेरिएबल नहीं है, आर वेरिएबल नहीं है, आर क्यों नहीं है वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि दिस इज इन ए गिवन सर्कल, एक गिवन सर्कल के अंदर, गिवन सर्कल के अंदर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, राइट, ये गिवन सर्कल है, और इस गिवन सर्कल के अंदर आपने रेक्टेंगल बनाई है, गिवन गिवन फिगर का जो भी डायमेंशन होगा दैट इज कांस्टेंट। अब गिवन फिगर आपकी, आपका सर्कल है, सर्कल का डायमेंशन क्या है, रेडियस, सो गिवन फिगर के डायमेंशन होंगे वो आप कॉन्स्टेंट कंसिडर करोगे, इसलिए आर हमारा यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ रेक्टेंगल के जो डायमेंशन है वो वेरिएबल होंगे, और ये थीटा रेक्टेंगल की साइड्स और डायगोनल के बीच में बना हुआ है, देख रहे हो आप, तो ये थीटा वेरिएबल है, जबकि आर वेरिएबल नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है थीटा, करेक्ट। अब हम इस ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी अपॉन डी थीटा, अगर यहाँ x होता तो हम x के रिस्पेक्ट में करते, y होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, अब थीटा है थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे d अपॉन d थीटा, तो ये आपका आ गया 2r स्क्वायर, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2 थीटा इंटू टू, cos 2 थीटा इंटू टू, सो इट इज 4r स्क्वायर
cos 2 theta. 4r square cos 2 theta. And maxima minima के लिए ये हमारा first derivative होगा d upon d theta. Maxima minima के लिए हम क्या करते हैं? Maxima minima के लिए हम first derivative को zero put करते हैं. 4 maxima और minima. Maxima और minima. D upon d theta is equal to zero. इसको हम zero put कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? 4r square cos 2 theta is equal to zero. अब 4r square तो constant है. Radius circle का constant है. Zero तो नहीं था. आप 4 वैसे भी constant number है. तो यहाँ पर ये product zero होने के लिए 4r square cos 2 theta cos 2 theta zero होना चाहिए. तभी ये multiplication zero आएगा. cos 2 theta अगर zero है, cos कहाँ पर zero होता है? 90 degree पे. तो ये cos का जो angle है 2 theta, वो 2 theta किसके बराबर होगा? 90 के बराबर. 2 theta किसके बराबर होगा? 90 के बराबर. और अगर आप simplify करोगे इसको, तो theta क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा. Simplify करेंगे तो theta क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा. ठीक है? थीटा आ गया आपका 45 डिग्री. अब क्या करेंगे? देखो सेकंड डेरिवेटिव करो. ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था. सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो आप लिखेंगे d2a / d थीटा 2. दिस इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2 sin 2 थीटा. माइनस 2 sin 2 थीटा. माइनस 2 sin 2 थीटा. और थीटा कितना है? 45 डिग्री. ठीक है, थीटा का आपने 45 डिग्री डाला तो यहाँ 90 हो जाएगा. डी टू ए अपॉन डी थीटा टू. 4r स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45. साइन 45 क्या होता है? 1 होता है. साइन 45 1 होता है ना. सॉरी 45 यहाँ डालेंगे तो साइन 90 हो जाएगा. साइन 90 1 होता है. दिस तो ये आपका आ गया माइनस 8r स्क्वायर. माइनस 8r स्क्वायर. r स्क्वायर तो पॉजिटिव है, साथ में माइनस 8 लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. हाँ, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है. r स्क्वायर पॉजिटिव है, जहां चला गया क्या? हाँ सर, लीव कर दिया उसने. ओवरऑल क्या है? ये नेगेटिव है. ओवरऑल नेगेटिव है तो किसका डेरिवेटिव नेगेटिव है? एरिया का डेरिवेटिव नेगेटिव है. एरिया का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया. जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, क्या होता है वो? या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम. या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम, राइट? एरिया का डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो एरिया क्या हो गया? मिनिमम. देयरफॉर एरिया इज मिनिमम. एरिया इज मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम. व्हेन? कब? When theta is equal to 45 degree. जब हमने जो थीटा एज्यूम किया था वो 45 डिग्री होगा, एरिया मैक्सिमम होगा. एट थीटा इज इक्वल टू